नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर वैसे तो राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है, लेकिन इस बार चुनाव में कुछ खास नजर आ रहा है। इस बार बसपा को छोड़कर सभी बड़े दलों का नेतृत्व युवा हाथों में है। बीजेपी की तरफ से योगी, तो सपा की तरफ से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में पार्टी की बागडोर संभाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस और रालोद की तरफ से प्रियंका गांधी और जयंत चौधरी के ऊपर उनकी पार्टी की जिम्मेदारी है। कौन इस चुनावी समर में अपने दल की नैया पार लगाएगा वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से सियासी घमासान इन युवाओं के बीच मचेगा वो देखना दिलचस्प होगा। तो आज बड़ी चर्चा इसी पर करेंगे कि क्या इस बार जिन युवाओं के कंधे पर जिम्मेदारी है इनमें से कौन होगा किंग मेकर साबित। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस का युवा चेहरा प्रियंका वाड्रा और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के रणनीतिक कौशल की परीक्षा होगी। इस विधानसभा चुनाव में यह चारों चेहरे अपने अपने दल के सेनापति बनकर मैदान में उतरेंगे। विधानसभा चुनाव 2022 में राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि देश और प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव डालने वाली नई सियासी पीढ़ी की साख भी दांव पर होगी। यह चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा और जयंत चौधरी के रणनीतिक कौशल की भी परीक्षा लेने जा रहे हैं। ऊर्जा और जुनून से चमकते लगभग हम उम्र यह नौजवान नेता इस बार अपने अपने दल के सेनापति के रूप में मैदान में होंगे। योगी आदित्यनाथ के सामने बुलंद भगवा झंडा थामे रखने की साथ ही प्रतिद्वंदियों के सामने पार्टी का अस्तित्व बचाने की चुनौती है। विधानसभा चुनाव इस बार बेहद दिलचस्प होने वाले हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है। लगातार चुनावों में प्रचंड बहुमत हासिल कर रही भाजपा आत्मविश्वास से लैस है, जबकि सपा, बसपा और कांग्रेस जातिगत गणित बिठाने में जुटी हुई है। गठबंधन की खुली घोषणा अभी तक किसी ने नहीं की, लेकिन छोटे छोटे दलों को जोड़ने की जुगत के बीच एक दो बड़े दल फिर से साथ आ जाए तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रदेश में हर दल का अपना संगठन है जिसे मजबूत करने में वह जुटे हुए हैं। दिलचस्प यह है कि प्रमुख दलों में सिर्फ बसपा को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों के झंडा बरदार नई पीढ़ी का नेतृत्व करते हैं। बात सत्ताधारी दल से ही शुरू करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री प्रत्याशी घोषित नहीं किया था। प्रचंड बहुमत मिलने के बाद गोरखपुर के 5 बार के सांसद रहे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। 4.5 वर्ष तक योगी ने अपने अंदाज में काम किया। 1.5 वर्ष की कोरोना आपदा के बावजूद कई क्षेत्रों में उपलब्धियां भी हासिल की। यही वजह है कि भाजपा उन्हीं के चेहरे पर 2022 में चुनाव लड़ने जा रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा 403 में से 312 सीटें जीती थी। अब जीत को दोहराने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। जग जाहिर है कि मुलायम सिंह यादव की मेहनत से ही समाजवादी पार्टी सत्ता हासिल करती रही। 2012 का विधानसभा चुनाव भी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम के नेतृत्व में लड़ा गया। बहुमत पर उन्होंने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप दी। इसके बाद पार्टी और परिवार में आंतरिक मतभेद हुए और अखिलेश ने बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी की बागडोर अपने हाथ में ले ली। लेकिन 2017 में कांग्रेस से गठबंधन पर अखिलेश जब दोबारा मैदान में उतरे तो पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। वहीं यूपी में कांग्रेस का हाल सभी जानते हैं। लगभग 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है और हर चुनाव में कांग्रेस का बुरा हाल होता जा रहा है। लंबे समय से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा मांग की जा रही थी कि कोई बड़ा चेहरा चुनाव की बागडोर संभाले, तो इस बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी चुनाव में नेतृत्वकर्ता के रूप में उतरी हैं और कांग्रेस की संभावित मुख्यमंत्री भी हैं। वहीं जयंत चौधरी का भी यही हाल है।
बाबा के पिता की विरासत पर पश्चिमी यूपी में राजनीति करने वाले जयंत चौधरी इस बार रालोद की कमान संभालकर यूपी के विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। लेकिन वो पिछली बार की ही तरह अखिलेश की साइकिल पर सवार होकर ही इस रेस में शामिल होंगे, लेकिन जिम्मेदारी बड़ी होगी। बड़ी बात यह है कि जिन नेताओं की चर्चा ऊपर की गई है उनके पास लंबा समय बचा है राजनीति के लिए और कहते हैं कि केंद्र की राजनीति का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है, तो ये मानना गलत नहीं होगा कि इस बार यूपी को जिस युवा नेता ने जीत लिया वो 2024 और उसके आगे केंद्र में बड़ी भूमिका निभा सकता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो इस बार युवाओं के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इस बार का चुनाव अहम भी है क्योंकि युवा इसकी बागडोर संभाले हुए हैं और उत्तर प्रदेश में कौन किंग बनेगा इसका फैसला तो आगामी चुनाव में होगा, लेकिन उससे पहले इन युवा नेताओं की तैयारियां क्या हैं इस पर नजर डालेंगे। तो आज बड़ी चर्चा को आगाज देते हैं और हमारे साथ बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए बीजेपी नेता मानस द्विवेदी जी मौजूद है, कांग्रेस से आशीष कोटारिया, साथ ही साथ सपा से युवजन समाज से अभिषेक प्रताप सिंह जी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मानस जी, सबसे पहले आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी, जिस तरह से युवा नेतृत्व की बात हो रही है, जो परंपरागत राजनीति लगातार से हम देखते आ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आया है। सीएम योगी इस बार कमान संभाले हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार जनता भरोसा कर पाएगी इस नई राजनीति पर? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में युवाओं के लिए जो प्रेडिक्शन था, जो मॉड्यूल था कि युवा कल का है, तो इस चीज़ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सिरे से खारिज करते हुए ये दिखाया है कि युवा भविष्य नहीं है, युवा वर्तमान है। चाहे राजनीति में हिस्सेदारी हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे स्वरोजगार हो, हर क्षेत्र में युवा आगे बढ़ रहा है। और जो मुद्दा आज का है कि लड़ाई युवाओं के बीच में है, तो कीर्ति जी मैं स्पष्ट कर दूँ कि भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के परम पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार की लड़ाई किसी से है भी नहीं। 2022 में हम लोग आश्वस्त हैं कि 350 प्लस उत्तर प्रदेश में सीटें जीतने वाले हैं। तो मानस, आपने तो साफ डायरेक्टली ये कह दिया कि आप किसी कोई है ही नहीं आपके टक्कर में, सबसे आगे आप ही दौड़ रहे हैं। बिल्कुल, कहां पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, अभिषेक जी, आपका क्या कहना है? जिस तरह से मानस जी ने तो क्लियर कर दिया है कि हम ही हैं रेस में और कोई रेस में है ही नहीं, तो क्या लगता है अखिलेश यादव जी, जो जयंत चौधरी के साथ इस बार युवा चेहरा, दोनों युवा चेहरा है और दोनों एक साथ भी नजर आ रहे हैं, तो क्या ये डबल युवा चेहरा सीएम योगी के आगे कुछ है ही नहीं? धन्यवाद कीर्ति जी। पहले चीज तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि योगी आदित्यनाथ जी ने सिरे से खारिज कर दिया है कि 350 प्लस सीटों पे चुनाव जीत रहे हैं आप जी। ख्याली नहीं, योगी जी ने खारिज किया। मैं आपकी बात सुन रहा था, आप मेरी बात सुने तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बिल्कुल आपने सही कहा, 350 सीटें आप जीत रहे हैं। हाँ, ख्याली पुलाव है, सोचना अच्छी बात है, वो बहुत अच्छी बात, हम भी सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, युवाओं की जो राजनीति है, आज से पहले भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा युवाओं का साथ दिया है और युवाओं को बागडोर दी है। आज भी युवा कल भी था, युवा आज भी और युवा परसों भी रहेगा। इनके लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा है, जब चुनाव आता है तो युवा याद आता है, चुनाव खत्म युवा खत्म। अब मैं इतिहास भूगोल नहीं खोदूंगा, क्योंकि इतिहास भूगोल खोलूंगा तो बहुत गड़े मुर्दे उखड़ जाएंगे। सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगा कि 350 तो क्या सर, 50 सीटें आ जाए बड़ी बात है, 50 सीटें आ जाए बड़ी बात है। बड़ी चुनौती दे रहे हैं आप अभिषेक। ये चुनौती नहीं, ये मैं खुला आश्वासन दे रहा हूं। पिछली बार भी बिल्कुल आ रही हूं मानस जी, लेकिन पिछली बार भी आप जयंत चौधरी के साथ ही थे और आप लोग ने चुनावी मैदान में उतरे थे, हालांकि तब तो सीएम योगी आदित्यनाथ चेहरा भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बढ़त बनाई बीजेपी ने। मैं आपको बताऊं मैम, अभी हमारी साइकिल रैली हुई थी, आपने शायद ध्यान दिया होगा। इससे पहले इस मुद्दा चल रहा है शिक्षा मित्रों का, आपको मैं बताऊं, बेचारों का अगर आप उस ग्राउंड जीरो पे होती तो शायद आपको देख के लगता कि क्या हाल बना दिया है युवाओं का। किसी के हाथ तोड़ रहे, किसी के पैर तोड़, नौकरी नहीं देंगे, बाकी सब कुछ तोड़ देंगे। गलती से कोई राजधानी आ जाए उसको जेल भिजवा देंगे, नौकरी नहीं देंगे। अरे साहब, कर क्या रहे हो 4 साल से, सिर्फ दूसरे के नाम का फीता काटोगे? अरे खुद कुछ करो,
खुद तो करो। माननीय अखिलेश जी ने मेट्रो दिया, फीता काट दिया। माननीय अखिलेश जी ने आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस दिया, फीता काट दिया। माननीय अखिलेश जी ने स्टेडियम दिया, फीता काट दिया। खुद क्या कर रहे हो? सिर्फ नाम बदलना है, कभी लखनऊ, कभी प्रयागराज, कभी अयोध्या का। सर कुछ तो करो युवाओं के लिए। युवा रोजगार चाहता है, युवा लाठी नहीं चाहता है। लेकिन युवाओं की आपसे क्या नाराजगी थी जो आपको सत्ता से दूर कर दिया? कुछ नाराजगियां रही होंगी, उस पर हमें काम कर रहे हैं। और हमें पता है लगभग 90% युवा समाजवादी पार्टी के साथ है। और मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में आ रही है। और सरकार बनते ही हमारे अध्यक्ष जी ने ऐलान किया है कि जितने शिक्षा मित्र हैं उनको तुरंत, जो आज बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, उनको तुरंत नौकरी दी जाएगी। और कम अज कम, हाँ, अभी माननीय योगी जी ने कहा कि हमने 2 करोड़ रोजगार दे दिया। अरे साहब, कहाँ दे दिया? 4.5 लाख 4.5 लाख रोजगार दे दिया। चलिए आपकी मान लेते हैं। किनको? मनरेगा को, जो डेली फावड़ा चलाते हैं। तो हम जो BA, LLB, MBA किए हैं, छोड़ दे फिर डिग्री अपनी, हम भी चल के रोजगार मांग ले मनरेगा में। नहीं तो अभिषेक जी, आप जब सत्ता में थे तो आपने कितनों को रोजगार दे दिया था? मैम, हम जो सत्ता में थे, हमारे सत्ता में एम्बुलेंस आई, उनको रोजगार मिला। हमारे सत्ता में, हाँ, मैं आपको इस बात करता हूँ, कई सारे विकास मुद्दे हमारे सत्ता में आए, मैं उसको भी, उस पर भी आऊंगा। लेकिन मैं पहले ये जानना चाह रहा हूँ माननीय योगी जी से, माननीय प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे भाई भाई साहब से, कि इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आने के बाद इतना कुछ कर देंगे, युवा टहलेगा नहीं। आज 4 साल हो गया है, चुनाव 4 महीने बाद है, अब इनको युवा याद आ रहा है? क्या रोजगार इन्होंने दे दिया? सिर्फ जुमलेबाजी दी है और कुछ नहीं दिया है। अभिषेक जी, आप अपनी बात करिए ना, आप भी तो वही नेतृत्व कर रहे हैं। युवाओं को लेकर हमेशा ही अखिलेश यादव चले हैं और उन्होंने हमेशा ही कहा है कि कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद भी आपको सत्ता से दूर जाना पड़ा और बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली। तो क्या लगता है कि युवाओं का भरोसा आप एक बार फिर से अपनी पार्टी की ओर खींच पाएंगे? मैम, युवा का भरोसा हम जीत चुके हैं और युवा हमारे साथ है, उनके लिए हम काम कर पहले भी कर रहे थे और अब भी काम कर रहे हैं। युवा को सिर्फ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। ठीक है आशीष मानस जी, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले आशीष कोटारिया जी के पास चली जाऊं। आशीष कोटारिया जी, नेतृत्व युवाओं का कर रहे हैं और तमाम युवा नेता इस समय 50 से कम उम्र के हैं ये तमाम नेता, और इस बार इनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी उत्तर प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं कांग्रेस की, और लगातार ये कहा जा रहा है कि उनके नेतृत्व से जोश भर जाता है। तो क्या लगता है, इस बार हाथों हाथ लेगी जनता? देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर बात करें तो सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई थी अप्रैल 2020 में, उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 21.5%, जो कि 11.4% सबसे ज्यादा था कंपेयर देन प्रीवियस ईयर। अब नंबर 2 पर, उत्तर प्रदेश की सिचुएशन इतनी खराब है, वही सिचुएशन सेंट्रल लीडरशिप और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट आई थी, देश में जब COVID-19 की दूसरी वेव चल रही थी तब कुल मिलाकर 12 करोड़ से भी अत्यधिक लोग बेरोजगार हो गए। सेलेराइट जॉब सेक्टर में 3 करोड़ से भी अत्यधिक लोग बेरोजगार हो गए, फिर भी ये लोग युवाओं की बात कर रहे हैं। 2014 से केंद्र में सरकार की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश में 2017 से हो, दोनों ने वादे किए थे हम रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक रोजगार मिला नहीं। जब आप ही उत्तर प्रदेश के फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और देश के और प्रदेश का जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उनको कॉम्युनलाइज कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का युवा जान चुका है। और आपको पता होगा कि किस तरीके से सेंटर और स्टेट वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, इसका परिणाम आपको 2022 के असेंबली इलेक्शन में देखने को मिलेगा। और योगी जी, आशीष को डालिया जी, लेकिन आप अपनी जमीन को कहां मजबूत कर पा रहे हैं? लगातार यही देखने को मिल रहा है कि किस तरह से सत्ता से दूर होती जा रही है कांग्रेस और लंबे वक्त से दूर भी है, तो कहां आपकी जमीन मजबूत हो रही है? क्योंकि युवाओं की जोड़ने की बात हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, मुद्दे अनेक है। मैं हर बार कहती हूँ उत्तर प्रदेश में अगर आप मुद्दों की बात करेंगे तो कहीं कमी नहीं है, लेकिन उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाकर विश्वास कितना उत्पन्न कर पा रहे हैं, भरोसा कितना जतवा लोगों का बना पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो उसके लिए क्या नीतियां लेके आएंगे? भरोसे की बात हो तो प्रियंका गांधी जी ने कई बार उत्तर प्रदेश का दौरा भी किया है, और जब जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर वह होती है तो उनको प्रदेश की जनता का समर्थन मिला है और विशेष तौर पर युवा का। अब आपको मैं बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की भारतीय युवा कांग्रेस की पैनल देखिए, उनकी मीडिया पैनल देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष देखिए, सभी जगह पर युवाओं को अत्यधिक प्राथमिकता दी गई है। आज यदि मैं आपके साथ डिबेट में बैठा हूं तो मेरा कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से नहीं आता हूं, किंतु आदरणीय राहुल गांधी जी के सहकार से आज मैं इस मीडिया डिबेट में प्रतिभागी हुआ हूं। तो कांग्रेस सदैव युवा को साथ लेकर चली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारी जमीन धीरे धीरे मजबूत हो रही है। हम इसको स्वीकार करते हैं कि
पूर्व में हमारी जमीन इतनी वहां मजबूत नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से वहां हमारी पार्टी सक्रिय हुई है, इसका आपको परिणाम वर्ष 2022 के प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रभाव दिखता है। आशीष कोटाडिया जी, मैंने हमेशा आपसे कहा है प्रभाव दिखता है लेकिन लंबे समय तक नहीं रह पाता है, समस्या यहीं पर है। लेकिन आपकी बात पर मानस द्विवेदी जी लगातार हंस बहुत रहे हैं। मानस जी, आपकी खुशी का राज क्या है? कीर्ति जी, सबसे पहले अभिषेक जी की बात का जवाब दे दूं जी। उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात वर्तमान की तिथि तक 558,108 रोजगार सृजन हुआ है। अनेक विभाग में हुआ है, स्वरोजगार हुआ है, ODOP के माध्यम से हुआ है। ये रही रोजगार की बात। अब जो शिक्षा मित्रों की बात करें, क्या ये भूल गए हैं कानपुर में डेंटल घोटाला जब हुआ था, लखनऊ में कितनी लाठियां भांजी थी शांतिपूर्वक तरीके से जब हजरतगंज चौराहे पर धरना कर रहे थे? क्या यह भूल गए हैं 30 जून 2014 में जब लेखपाल अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे विधानसभा के बाहर, कितनी लाठियां भांजी थी, रबर बुलेट चलाई थी? अपने दिन भूल गए हैं क्या? और सबसे बड़ी बात आई युवाओं की बात। लेकिन मानव जी, एक मिनट, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं एक दूसरे पे कीचड़ उछाड़ रहे हैं, लेकिन आज स्थिति तो ये है ना कि आज भी युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, आज भी युवा सड़कों पर है, आज भी युवाओं के पास नौकरी नहीं है। कीर्ति जी, उत्तर का प्रत्युत्तर था, मैंने कोई आक्षेप इसलिए लगाए क्योंकि इन्होंने बोला। युवाओं की बात आप लोग कर रहे हैं, तो आज युवाओं की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में? 558,108 रोजगार सृजन हुआ है, ODOP के माध्यम से हुआ है, MSME सेक्टर्स में हुए हैं जी, सरकारी विभागों में हुए हैं। उसके बाद 2019 ले लीजिए, 2017 ले लीजिए, जयंत चौधरी हो, राहुल जी हो, अखिलेश जी हो, हलक बहन जी की बात नहीं है, पर मैं ऐड कर ले रहा हूं, हैं जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर दिन प्रतिदिन दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत कर रही है। और जो मैं पिछली डिबेट में आया था, मैंने बोला था कीर्ति जी इस डिबेट पे आपके चैनल के माध्यम से, कि जो 14 वर्ष से गड्ढा हुआ था उसको पाटने में वक्त लगता है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार उस गड्ढे को निरंतर पाटने का काम कर रही है, और मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आने वाले समय में स्थितियां क्या बता रही हैं। मानस जी, उस पर नजर डालिए ना, स्थितियां क्या है। पुलिस भर्ती को लेकर अभी आंदोलन हुआ, शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन हुआ, तो नौकरियां कहां जा रही हैं जब लोगों को जरूरत पड़ रही है सड़कों पर उतरने की? आंदोलन देखिए, जहां सच्चाई होगी वहां कुछ ना कुछ छुटपुट होती रहेंगी। उत्तर प्रदेश में वो भर्तियां नहीं हो रही कि 40-40 लाख भर्तियां निकल जाए, 4 लाख भर्तियां निकल जाए, उसमें घोटाले हो, सूची जाए विक्रमादित्य मार्ग से, सूची जाए आयोग में कि इतने नाम है हमारे कर लीजिए, चाचा इनके अलग सूची भेजें, नेताजी अलग सूची भेजें। पारदर्शिता है भर्तियों में, तो जब सही ट्रैक पे काम होता है तो थोड़ा समय लगता है। कीर्ति जी, ठीक है, अभिषेक जी आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार बीजेपी आरोप लगाती आई है कि सफाई से आदेश पारित होता था तब जाके नौकरियां मिलती थी, और लगातार अब अगर आप जांच करा ले तो आप कोई भी भ्रष्टाचार ले लीजिए, लेखपाल भर्ती ले लीजिए, पुलिस भर्ती जवाब ले लेती हूँ मैं। अभिषेक जी क्या कहना है? मानस जी, मैं आपकी बात बहुत ही अच्छे से सुन रहा था, थोड़ी सी बात हमारी सुन ले। आवेश में आके गुस्सा गर्मी करके कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया। हमारी सरकार आई, हमने एम्बुलेंस भर्ती की, 108 हमने भर्ती की। और जहां तक रही बात आपकी लेखपाल की, सर 4 साल में आपने कोई सिंगल भर्ती की? आपने एक भर्ती अभी निकाली 10 दिन पहले कि ग्राम विकास आपके रखे जाएंगे, उसको अभी हाईकोर्ट ले चले गए। सिर्फ आप लॉलीपॉप दे रहे हैं, जो हम 4 साल से युवा ले रहे हैं और आप देते जा रहे हैं। हाँ, युवा जब सड़कों पर आता है तो आप लाठी जरूर मारते हैं, उसको भगाते जरूर हैं। सर रोजगार दीजिए, चलिए मान लिया आपकी बात, चाचा ने सूची भेज दी, रोजगार दिया ना, शिक्षा में भर्ती हुई ना, पुलिस की भर्ती हुई ना। हाँ, आपकी मैं बात मान लेता हूँ, आपने कहा सूची जी, सूची आप शायद लेने गए होंगे, चाचा ने दी होगी आपको। देखिए, आरोप लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आरोप कहीं पारित हो सर तब बताइए ना। हाँ, आपके यहाँ आप जो मनरेगा होता है, जो फावड़ा चलाता है मजदूर, उसको आप रोजगार गिन लेते हैं, 5 लाख रोजगार आपने उसको दे दिया। आज की स्थिति यह है कीर्ति जी कि जो मनरेगा का मजदूर है वो सिर्फ रोजगार पा रहा है। 3 से 5 लाख नौकरियां चली गई आपकी यूपी में कोविड के दौरान, आपने क्या किया उनके लिए? ढंग से एक खुराक खाना नहीं दिया। अभी क्या किया आपने, चावल के नाम पे बोरियों पे स्टिकर छपवा दिए, उसमें जो चावल आ रहा है आपने देखा कभी क्या रहा है?
लेकिन सर आप जी, एक दूसरे पर आरोप लगाने से चीजें स्पष्ट नहीं होंगी, जनता में भरोसा कैसे उत्पन्न करेंगे? युवाओं की बात कर रहे हैं आप लोग, युवा चेहराओं के जोड़ने की, और आप लगातार ये कह रहे कि अखिलेश जी ने हमेशा युवाओं को जोड़ा है, प्राथमिकता दी है, लेकिन क्या किया गया है उनसे? अभी आपने माना कि ठीक है होता था भर्तियां, जिस तरह से होती थी वो होती थी, तो आप ये मान रहे कहीं ना कहीं सफाई से आती थी वहां पर, इस वजह से वो भर्तियां होती थी, आप उनके आरोपों को सिद्ध कर रहे हैं? पारदर्शिता से भर्ती हमेशा हुई, तब भी हुई थी और भी हुई। आप किसी भी जो भर्ती हमारी पुलिस विभाग में हुई, कोई भी एक भर्ती पकड़ लीजिए, उसने एक पैसा घूस दिया हो तो बताइए। आज हाँ। भी पुलिस भर्ती में कई ऐसी भर्तियां हैं जो अभी भी पड़ी हुई है वैसी की वैसी, आज भी युवा परेशान है उन भर्तियों को लेकर। चार साल से सरकार आपकी है, चार साल सरकार आपकी, आप क्यों भर्ती नहीं करते? अब अखिलेश जी रो के बैठे हुए हैं कि चाचा पर्ची दे रहे हैं कि हमारे भर्ती करो, आप क्यों नहीं भर्ती करते हैं? आप क्यों नहीं करें? लेकिन आपके पास विचाराधीन उसमें भर्ती करते हैं आपके पास सिर्फ अभिषेक जी, जी बताइए, सर्वोच्च न्यायालय में जो मामला विचाराधीन है उसमें क्या सरकार भर्ती करते? अरे सर जितनी भर्तियां सब पे सर्वोच्च दिया जाए, लेके तो आप ही लोग जाते हैं ना, हमारे यहाँ भर्ती होती है। जब अखिलेश सरकार जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता, अखिलेश सरकार में भर्ती होती है तो सूची चाचा देते हैं, तो योगी सरकार में भर्ती क्यों नहीं हो रही? यहाँ भी चाचा रोक के बैठे हुए हैं, यहाँ माननीय भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस के साथ भर्ती हो रही है, पूर्णतया पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही है। सर चार साल से एक भर्ती क्यों नहीं हुई? सारी भर्तियां कोर्ट चली गई हैं, आप कह रहे हैं भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है, तो भर्ती कराइए ना। शिक्षकों को नियुक्ति पत्र किसने दिया? कहां दे दिया आपने? आप लाठी दे रहे हैं, आप लाठी दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? लाठी दे रहे हैं, जानकारी सुने करिए अपनी। सर जानकारी की बात कर रहा हूँ, हमारे साथ के लोग टीटी पास होकर बैठे हुए हैं, बेचारे सड़कों पे हैं, युवाओं की बात हो रही है, युवाओं के लिए। आशीष जी की बात का मैं एक जवाब दे दूं, आशीष जी शायद आप भूल गए हैं कि 2014 में जब देश के युवा जागे थे तभी राहुल गांधी भागे थे, इटली में हॉलीडे मना रहे थे। और रही बात इनके प्रियंका जी की, तो जब पॉलिटिकल ट्रिप करने आती हैं लखनऊ में और मीडिया फेम में बनके चले जाने का काम करती हैं, उत्तर प्रदेश ऐसे जुमलों में नहीं आने वाला है। आशीष कोटाडिया जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये पॉलिटिकल ट्रिप होती है प्रियंका गांधी की, या लंबे समय तक रुक के एक बार वो जवाब देंगी? आशीष कोटाडी जी आपको आवाज आ रही है? ठीक है, मानस द्विवेदी जी मैं ये पूछना चाहूंगी, जिस तरह से अभी फिलहाल जातियों पर मेन फोकस हो रहा है, युवाओं की हालांकि बात होती है, जिस तरह से लोक भवन में खुद प्रधानमंत्री स्पष्ट करते हैं कि कितनी युवा उन्होंने जोड़े, कितनी महिलाओं को उन्होंने जोड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये दर्शाना चाहते हैं साफ तौर पर कि युवाओं की पार्टी होती जा रही है। पिछले चुनाव में हालांकि हमने ये देखा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं पर भी चेहरा नहीं थे, और इस बार उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो जिम्मेदारी सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधे पर बहुत बड़ी है, क्योंकि 2024 में भी केंद्र में सत्ता में जाने के लिए सबसे बड़ा रास्ता, अहम जो रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। तो नीतियां क्या है, या यही मानकर आप समझ लेंगे कि हमारे टक्कर में तो कोई है ही नहीं, तो कोई डरने वाली बात नहीं? कीर्ति जी 2017 का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था, उनके विकास कार्यों पे लड़ा गया था, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में 14 सालों से वनवास काट रहे थे, इसमें कहने गुरे नहीं। और आपने जो पहली बात बोली जाति की, मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, एक बहुत विषम परिस्थितियों में बोल रहा हूं या मन भारी करके बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश हो अथवा बिहार हो, मेरे अनुसार 5 से 7 साल अभी भविष्य में भी जाति समीकरण कहीं ना कहीं हावी रहेगा, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। उत्तर प्रदेश और बिहार की पॉलिटिक्स ही अब ऐसी हो गई है कि जातीय समीकरण जरूरी हो गया है साथ। जरूरी नहीं हो गया, मैं एक युवा होने के नाते मैं कह रहा हूँ जातीय समीकरण आज हावी है। तो आज हमने पैनल इसीलिए बैठाया है युवाओं का, तो आप खुद युवा के तौर पर आप उत्तर प्रदेश में क्या चाहते हैं, क्या लगता है कि ये जो जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश की जा रही है, उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरणों को ध्वस्त करना है, विकास को आरक्षण दे देके, विकास को आगे लेके जाना है। लेकिन मानस जी आरक्षण देने के कैसे ये युवाओं को आगे लेके जाएंगे आप? आपने जो बोला जी, 2022 में मुख्यमंत्री जी के सारे विकास कार्य हो, रोजगार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हॉस्पिटल हो, कोरोना में अद्भुत कार्य कुशलता का लोहा मनवाने का कार्य हो, यह सब लेके जनता तक जाएंगे एकात्म मानववाद के अंदर। लेकिन मानस जी आपने जो साफ बात कही है वो अभी आपने स्टार्टिंग में ये कही कि पिछली बार 14 साल का वनवास काटने के बाद वो भी नेतृत्व था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उनका चेहरा सबसे आगे रखा गया था, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि नहीं, इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। क्या भरोसा है आपको सीएम योगी आदित्यनाथ पर? बिल्कुल भरोसा है,
उत्तर प्रदेश में परम पूजनीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो अद्भुत अविस्मरणीय अकल्पनीय कार्य किए हैं उसके बलबूते पे और भाजपा उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 2022 में जनता के बीच में जाने वाला है। ठीक है अभिषेक जी, आप कुछ कह रहे थे, क्या लगता है ऐसे अविश्वसनीय कार्य उन्होंने कर दिए हैं कि अब उन्हें डरने की जरूरत ही नहीं बची? उन्होंने कहा वो सत्ता में विराजमान होने जा रहे हैं एक बार फिर से। मैम मैं बस दो बातें पूछना चाहूंगा, पहली जो अविश्वसनीय अविकल्पनीय जो सर ने बताया है, कौन से ऐसे कार्य किए जरा हमको बता दीजिए आप, ऐसे कौन से कार्य चार साल में कर दिए हैं जिसपे आप सोच रहे हैं अब सत्ता में आ जाएंगे? आपने कौन से किए जो आपने बताया कि वैक्सीन भारतीय जनता पार्टी के? हम सत्ता में, वैक्सीन भारतीय, हम विपक्ष हैं, हम सत्ता में, हम आपके सरकार में हैं पर आपके विपक्ष हैं, आपसे प्रश्न पूछेंगे हम। विपक्ष में मैं बैठा हूँ, हम सरकार में हैं, हम आपके विपक्ष हैं। हाँ सर आप मेरे विपक्ष हैं, मैं आपका विपक्ष हूँ, तो आप इतना बताइए चार साल आपने क्या किया है? आपने जनता को भ्रमित करने का काम किया है, झूठ बोला आपने, जनता को गुमराह किया आपने, नाम बदले, उसके अलावा पांचवा कोई नाम बदलने की बात का उत्तर दे दूं? हाँ बताइए। जहां जहां आक्रांताओं द्वारा सनातनी परंपराओं को ध्वस्त करने का काम किया है, अगर हम लोगों को नाम बदलना पड़ेगा तो परम पूजनीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि निसंदेह हम लोग नाम बदलेंगे। ठीक है, आशीष कोटाडिया जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आशीष कोटाडिया जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से मानस द्विवेदी जी ने कहा कि पॉलिटिकल ट्रिप करने आती है प्रियंका गांधी वाड्रा, तो क्या अब वो लंबे समय तक रुक के एक बार जवाब देना पसंद करेंगे कि नहीं हम हैं उत्तर प्रदेश में, हमारी मौजूदगी है, क्योंकि लंबे वक्त से आप भी वनवास काट रहे हैं? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनकी एक बात का उत्तर देना चाहता हूँ। वे बार बार कह रहे हैं कि माननीय और पूजनीय, देखिए वो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो आप माननीय नहीं कहेंगे क्या? इसको रिलीजन के साथ कंबाइन मत कीजिए, वो भगवान नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति। नाथ संप्रदाय के महंत है गोरखपीठाधीश्वर के। अरे भाई संविधान पढ़ लीजिए ना, क्या मानस जी, एक एक करके प्लीज। संविधान से चलता है, कोई पीठों से नहीं चलता है, धर्म को मत लाइए राजनीति में, ये संविधान से चल रहा है, इसलिए हमने संविधान बनाया था, ठीक है ना? तो हम दंगे वो तो आप लोग लाए हैं ना, संविधान आप विश्वास करते हैं संविधान में? पहले हाँ या ना में उत्तर दीजिए। मैं करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, उसमें कहने में गुरेज क्या है? तो पूजनीय क्यों आप लोग भारत माता की जय क्यों नहीं कहते हैं, वंदे मातरम क्यों नहीं कहते हैं? मुद्दे को ना भटकाइए, वंदे मातरम भारत माता की जय, बस हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो क्यों जेएनयू में चले गए थे समर्थन करने? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारों के। अरे इस तरीके से बेतुकी बातें मत कीजिए, बेतुकी बातें हो गई। मानस द्विवेदी जी और प्लीज प्लीज आशीष को डांटिए जी, मानस जी प्लीज, देखिए ठीक है, मुद्दे को मत भटकाइए, मुद्दे पर रहने दीजिए मानस जी प्लीज, ठीक है मानस जी। आशीष को डांटिए जी, आप कंप्लीट करिए अपनी बात को। हाँ प्रियंका गांधी जी पॉलिटिकल ट्रिप नहीं करती है, वे उत्तर प्रदेश की महिला सशक्तिकरण की प्रतीक है, और प्रत्येक युवाओं को, महिलाओं को, पिछड़ों को समर्थन प्रियंका गांधी जी के कारण मिला है, और उनकी आवाज के कारण आज उत्तर प्रदेश में जो शोषित और वंचित समुदाय है वे आज सशक्त हो रहा है। तो इस तरीके की पॉलिटिकल ट्रिप कहना ये पूर्ण तरीके से अतुलनीय और उचित नहीं होगा। अतुलनीय है पॉलिटिकल, आशीष जी, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या राहुल गांधी जी आएंगे? चुनाव नजदीक है तो वे भी अपनी चुनावी रणनीति बनाएंगे, किंतु वे पार्टी के ऊपर निर्भर करेगा, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, तो जो पार्टी निर्धारित करेगी पश्चिम बंगाल की तरह यहाँ पे भी देर ना हो जाए राजनीति। देश का भी युवा जा चुका है आशीष जी। नहीं 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 चिंता मत कीजिए, देर नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 5 सालों में देश में केवल प्रदेश में धर्म की राजनीति की है, उससे लोगों को पता चल गया है कि धर्म, देखिए एक साफ बात है, धर्म से किसी का घर नहीं चलता, रोजगार चाहिए, खाना चाहिए, ये सरकार देने में असफल साबित हुई है, तो अब जाग गया है तो प्रदेश का युवा। तो आशीष जी आपको भी जागने की जरूरत थोड़ी बहुत तो बन गई है ना, कि किस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर अब जरूरी हो गया है जमीनी स्तर पर उतरने का समय आ चुका है। इसीलिए प्रियंका गांधी जी सक्रिय हुई है, आप देखिए आने वाले समय में किस तरीके से हमारी प्रदेश कांग्रेस समिति और भारतीय युवा कांग्रेस समिति निर्णय आदेश लेती है और प्रदेश में हमारा राजनीतिक धरातल को सशक्त करने का कार्य करती है। ठीक है अभिषेक जी, आपका क्या कहना है, जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार हमने देखा है कि युवाओं से जुड़े भी हैं, वो युवाओं के साथ भी आप बोल रहे हैं कि वो हमेशा से रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सत्ता से दूर हो गए, उसके बाद अब सत्ता में वापसी कितनी कठिन लग रही है,
और उसके लिए नीतियां क्या बनाई जा रही हैं, किन नीतियों के तहत आप आगे कार्य करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से युवा नेता भी जुड़े हैं अभी। मैम देखिए, मैं बताऊं, बीजेपी के बहुत से नेता, कांग्रेस के बहुत से नेता हमसे जुड़े हुए हैं, और हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर जो नीचे स्तर का नेता है, ग्राउंड जीरो लेवल का, वो भी हर एक डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहा है। जितना युवा है हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मैं आपको 90% से भी ज्यादा युवा हमारे साथ जुड़ा हुआ है और कंधे से कंधे मिला के चल रहा है। 2022 में माननीय अखिलेश जी की सरकार आ रही है, वो पूर्ण बहुमत में आ रही है, और सरकार बनने के 20 घंटे के अंदर ही माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि जितने भी शिक्षा मित्र रोजगार बेरोजगार टहल रहे हैं उनकी पहली जो नियुक्ति होगी। दूसरी चीज, जो ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, धर्म की राजनीति चल रही है, आपस में विद्वेष चल रहा है, वो हम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हर धर्म एक समान है, हर जाति एक समान है, सब एक कद में है। यहाँ पे ना कोई अगड़ा है ना कोई पिछड़ा है, यहाँ पे ना कोई मंदिर की राजनीति ना कहीं मस्जिद की राजनीति। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किस लिए फिर? कौन सा सम्मेलन है? पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किस लिए? देखिए, आप पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करिए, यहाँ पे तो ब्राह्मण सम्मेलन हो रहे हैं, क्षत्रिय सम्मेलन हो रहे हैं, आप की बात धर्म की राजनीति नहीं करते, तो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन किस लिए? आप कहते हैं दलित है और दलित तो कोई सुनता नहीं है, तो हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनसे मिलेंगे नहीं। उसको आप सम्मेलन का नाम देती हूँ, वो बात है। हम भाई, नहीं, हमने नहीं दिया अभिषेक जी, हमने नहीं दिया। आपकी पार्टी लंबा लंबा बैनर लगाती है 20x10 का, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आपकी पार्टी ने नाम दिया है। आपका तो पूरा पूरा लखनऊ छा देती है, पूरा यूपी छा देती है। बिल्कुल छापेंगे, काम किया है, उसको जनता तक पहुंचाएंगे। पैसा तो हमारा ही है, वो हमारे सामने चल रहा है, लेकिन हम क्या चाहते हैं ना, हम उस मुद्दे को जो आप मुद्दा भटका रहे हैं, हम चाहते हैं 2022 में हमने चुनाव जीत के आए, जितना युवा है बेरोजगार टहला उसको रोजगार दे, जितने लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे वो आप देखते हैं, 4 साल से आप दिखवा रहे हैं, जनता देख रही है, जनता आप जा चुकी है, और युवा आप जान लीजिए, युवा आपसे कट चुका है। आप कितने भी लुभावने सपने दें, वो युवा आपके पास आने वाला नहीं है। 2022 में आप जड़ समेत जा रहे हैं, और माननीय बाबा जी जा रहे हैं गोरखनाथ धाम पे, और आप भी सरकार देखते हैं क्या होता है। आज ऐसे आपके एक बहुत वरिष्ठ नेता रामपुर में अभी बीमार हैं, ईश्वर स्वस्थ उनको जल्दी करे, स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, वो जैसे जेल में गए थे। जी जी जी, देखिए सर, जेल में तो बहुत से लोग आपके भी नेता गए हैं। ठीक है, अच्छा मुद्दे से मत भटकिए। मानस द्विवेदी जी, जैसे आपने कहा कि 14 साल का वनवास काटा, 14 साल बाद हम सत्ता में आए, तो बहुत बड़ी चुनौती है आपके सामने, और युवाओं को मनाने की, युवाओं के साथ जुड़ने की, उनको भरोसा दिलाने की, तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता एक बार फिर आपको हाथों हाथ लेगी और आपके ऊपर भरोसा करेगी? क्योंकि जो आप बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो हमारे टक्कर में कोई है नहीं, आत्मविश्वास कहीं डगमगा ना जाए। कीर्ति जी, आत्मविश्वास ये कदापि डगमगाने वाला नहीं है, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी वर्ग किसी भी समुदाय के लोग हो, आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार से, लेकिन आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उन्हीं मुद्दों पर लगातार विपक्ष आपको घेर रहा है, और लगातार वो यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर हम जमीन स्तर पर जाएंगे, महिला सशक्तिकरण को लेकर हम जाएंगे। ये शब्द इस्तेमाल किया, आशीष जी के पेट में दर्द हो गया, ये क्यों दर्द हो रहा है भाई? नहीं, वो तो संविधान की बात कर रहे थे ना। नहीं, माननी इन्होंने तो बताया कि माननी भी ना लगाओ, क्या संविधान में नहीं लिखा है माननी लगाना? जहां तक मानने की बात है, मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँ। अभी 4 दिन पहले आपने बयान देखा होगा, माननीय पूजनीय आपके योगी जी ने कहा कि आपके अब्बा, आपने सुना होगा स्टेटमेंट सर, आपके अब्बा, आज तक हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने कभी राजनीति आपस में करी है? किसका है अब्बा शब्द? क्या है अब्बा शब्द का विश्लेषण बता दीजिए, उसके बाद आपका तर्क और वितर्क मैं जानना चाह रहा हूँ। एक शब्द अब्बा शब्द प्रयोग किया था, पिताजी हैं, राजनीति में कभी माँ बाप को नहीं ले जाता, कभी माननीय अखिलेश जी ने नहीं, तो योगी जी के अभिषेक के उनके पिताजी राजनीति में थे भाई। अब्बा जान से दिक्कत है या किसी विशेष जाति से दिक्कत है? विशेष जाति को दिक्कत तो बीजेपी को हमेशा से रही है, एक विशेष वर्ग से दिक्कत हमेशा बीजेपी सबका रही है। साथ सबका विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के नारे से काम करती है, चाहे मोदी जी की सरकार हो चाहे योगी जी की सरकार हो। हमारी भी सुन लीजिए ना अभिषेक जी, एकात्म मानववाद के मंत्र को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आशीष कोटाडिया जी, आपका क्या कहना है, जिस तरह से रेस में बीजेपी और सपा दौड़ रही है, कांग्रेस कहां पीछे छूटती जा रही है? देखिए, हम पीछे नहीं छूटे हैं, हम केवल अपने कार्य में व्यस्त हैं। और हमें कौन से कार्य है, उत्तर प्रदेश से जुड़े कौन से वो कार्य है, आशीष कोटाडिया जी प्लीज आप स्पष्ट कर दीजिए कि वो कौन से कार्य है जिसमें व्यस्त है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो कहीं है ही नहीं। अवश्य स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो कार्य है देश के और प्रदेश के युवाओं को सशक्त करना, प्रदेश की महिलाओं को न्याय दिलाना, प्रदेश के शोषित वंचित और प्रताड़ित वर्गों के साथ। और वो ट्विटर वॉर से क्या सशक्त होंगे? क्या ट्विटर वॉर करके वो सशक्त होंगे?
ट्विटर वॉर तो केवल एक सोशल मीडिया पर हमारा एक कैंपेनिंग है, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर भी हम सशक्तता और हम कार्य निरंतर करते जा रहे हैं। तो दूसरी बात पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से मेहनत कर रही है और समाजवादी पार्टी अपने तरीके से, हम केवल अपना कार्य कर रहे हैं और जो जनता का परिणाम होगा, जो जनादेश होगा, वो वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में। दिक्कत यही है ना आशीष कोटारिया जी, जनता को वो कार्य दिख क्यों नहीं रहा है इतने सालों से, लंबे वक्त से आप सत्ता से दूर है। इसमें इस दो शब्दों में बहुत ही अंतराल है, दिख क्यों नहीं रहा है और दिखाया नहीं जा रहा है। मैं दूसरे पर ज्यादा प्राथमिकता दूंगा कि जिस तरीके से गोदी मीडिया जो एक शब्द आया है 2014 के बाद, ये दिखा नहीं रहा है विपक्ष के कार्य को। नहीं तो वो विपक्ष के कार्य दिखाएंगे, ये आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप किस तरह से जमीनी स्तर पर उतरे और युवाओं से जुड़े और उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े। देखिए हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे मीडिया दिखाए ना दिखाए। मीडिया तो वही दिखाती है आशीष जी, देखिए मीडिया तो वही दिखाती है ना जो हो रहा होता है। जब कुछ होगा ही नहीं तो मीडिया दिखाएगी कैसे? अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन सपा कर रही है तो मीडिया दिखाएगी, ब्राह्मण सम्मेलन अगर बसपा कर रही है तो मीडिया दिखाएगी, अगर किसानों का सम्मेलन बीजेपी करने जा रही है तो मीडिया दिखाएगी, अब कांग्रेस कुछ नहीं कर रही है तो मीडिया का क्या दोष इसमें? देखिए ये पूर्ण तरीके से सत्य नहीं हो सकता कि कांग्रेस कुछ कर नहीं, नहीं हम धरातल पर पूर्ण तरीके से सशक्त हो रहे हैं और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी वो 2400 घंटे मेहनत कर रहे हैं प्रदेश की कांग्रेस समिति को सशक्त करने के लिए और युवा कांग्रेस को और NSUI जो हमारा छात्र संगठन है वो बड़ी लड़ाई हो रही है। क्या पूछ रहे हैं आप? लल्लू जी और मोना जी में भी लड़ाइयां हो रही हैं आजकल। आज मानस जी बहुत खुश है, ओवर कॉन्फिडेंस मानस जी देखे होना जाए। इट्स नॉट अ ओवर कॉन्फिडेंस एट ऑल जी, तो क्या है ये? विश्वास है, देखिए ये विश्वास अपने काम पे विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत पे विश्वास वही है। काम को लेकर तो लगातार आपको विपक्ष घेर रहा है जी, अभिषेक जी कुछ कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काम पे विश्वास है, रेल बेच दी, भेल बेच दिया, बचा क्या बेचने को, एयरपोर्ट बेच दिया, पैसा आएगा ही, अडानी जी अंबानी जी देंगे ही, आपकी तरह रिवर फंड में घोटाला तो नहीं करेंगे, कांग्रेस की तरह टू जी घोटाला, आप बिठाइए ना मुकदमा हुआ है। अरे तो मानहानि का मुकदमा हुआ है, आएगा पैसा वहां से, यही और कॉन्फिडेंस है सर को कि पैसा 3000 करोड़ फंडिंग हो जाएगी, यूपी चुनाव जीत लेंगे। आपने कौन सा काम किया? लखनऊ में अभिषेक जी और मानस जी एक एक करके, कानपुर और आगरा में दिसंबर के पहले पहले मेट्रो चालू होने वाली है, बताइए। राजधानी आप चालू नहीं कर पा रहे, बात करते हैं कानपुर आगरा की, राजधानी आप चालू नहीं कर पा रहे। जिस दिन अखिलेश जी गए मुंशी पुलिया स्टेशन बना था उसके बाद से आप काम कहीं आगे बढ़ा नहीं पाए, बस आपने क्या सर्वे काट दिया, फेज 2 का ब्लू लाइन का सर्वे हो चुका है, सर्वे सिर्फ पेपरों पे हो रहे हैं, सर्वे सिर्फ पेपरों पे हो रहे, काम ग्राउंड जी पे नहीं हो रहा है। तो क्या आसमान में होते हैं सर्वे? काम क्या कहां हो रहा है? डीपीआर आसमान में बनता है क्या? सर्वे कहां दिख रहा है? डीपीआर आसमान में बनता है क्या? कुछ आप कुछ काम कराइए, पूर्वांचल अभिषेक जी लेके बराबर निरंतर वो ये बोल रहे की काम कराइए, और नया थीम सॉन्ग भी उन्होंने इसी पर ले आए हैं की अब काम होगा, यानी की अभी तक कोई काम नहीं हुआ इन 4.5 साल में। बाबा बड़े लड़ैया ये भी एक थीम सॉन्ग आया, भूलिए ना कीर्ति जी, और भी एक कचर गया, लड़ैया किसानों से लड़ैया, अपराधियों से लड़ैया, मुख्तार अंसारी जैसे सफेद नकाब पोश से लड़ैया। आप अपराधियों से लड़ैया, शरण कौन देता है? मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी सफेद पोश अपराधियों को कौन शरण देता है? इस बात की स्पष्ट करिए आते हैं सर, सफेद पोश में अपराधी नहीं है, खोलेंगे तो आप भी उसमें फंसेंगे। आपकी सरकार थी अभिषेक जी, सरकार आपकी थी, आपके माननीय मुख्यमंत्री थे उस समय नेताजी मुलायम सिंह जी, ठीक है आशीष जी, किस तरह उत्पीड़न हुआ था। योगी बाबा बड़े लड़ैया और अखिलेश यादव आएंगे तो काम होगा, काम होगा, भ्रष्टाचार होगा। प्रियंका गांधी कहाँ आएंगी? ठीक है मानस जी और प्लीज मानस जी और अभिषेक जी कहाँ थे आप? आशीष जी क्या बोलेंगे आप?
प्रियंका गांधी जी, देखिए हम जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और हमें पूर्ण तरीके से विश्वास है कि जिस तरीके से हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की भूमि पर जो चुनाव की राजनीति को लेकर हम सशक्त तौर पर मेहनत कर रहे हैं। स्पष्ट कर दीजिए, गठबंधन को लेकर अभी कोई ऐसी चहल पहल चल रही है, कोई ऐसी नई जो किसी के साथ जिससे गठबंधन करने वाले हो आप लोग, अभी तक कुछ कह पाए? ये प्रश्न आपने मुझे पूर्व भी पूछा था और आज भी पूछ रहे, और मैं आज भी वही उत्तर दूंगा कि यदि किसी भी प्रकार का गठबंधन होगा तो पूर्ण तरीके से औपचारिक तौर पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से गठबंधन की बात आती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो गठबंधन करेंगे, अन्यथा नहीं होंगे और स्वतंत्र तौर पर चुनाव लड़ेंगे। किंतु प्रश्न है, क्या प्रदेश की जनता को न्याय मिलेगा? क्या उनका जो स्वप्न है खुशहाली जीवन जीने का वो पूर्ण हो पाएगा? क्या उनको न्याय मिलेगा? सबसे बड़ा प्रश्न तो अभी ये है कि आपको अभी बराबर में आकर अपनी साइकिल भी दौड़ानी पड़ेगी, साथी में आकर दो लोग रेस में दौड़ रहे हैं, आप उस रेस में नहीं दिखाई पड़ रहे आशीष कोटाडिया जी। आप केवल प्रतीक्षा कीजिए ना, आप क्यों चिंता कर रही है, नतीजा आपके समक्ष होगा। बिल्कुल, मैं चिंता नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, चिंता तो मेरी कहीं दूर दूर तक नहीं है। हाँ, इसीलिए वर्ष 2022 का जो परिणाम होगा वो आश्चर्यचकित करने वाला होगा, ना ही केवल पूरे देश। मैं आशा करती हूँ आशीष जी की आपके साथ, मैं आशा करती हूँ महाराज जी, आशा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी पार्टी 2022 में। अच्छा, शून्य का परिणाम आशीष जी आपको दिखा रहे हैं मानस जी लगातार। उनको खुद की चिंता करनी चाहिए, योगी जी और मोदी जी के रिश्ते अच्छे नहीं है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। अरे कैडर बेस्ड पार्टी है भाई, वो प्रधानमंत्री है, उत्तर प्रदेश की पार्टी पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, हमारी पार्टी की चिंता मत कीजिए। कोई परिवार में समती हुई पार्टी नहीं, कैडर बेस्ड पार्टी है, बूथ का कार्यकर्ता भी भारत देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में रहकर बन सकता है। कह दीजिए आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं कांग्रेस के, कह दीजिए आपकी कांग्रेस की सरकार है तो आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आशीष जी जवाब दीजिए। देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, यही सबसे बड़ी चिंता है कि लीडरशिप जो यहां गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है। आशीष जी सुन लीजिए, एक बार शांति से सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बीजेपी कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें पावर, आवाज आ रही है मेरी जी? बीजेपी एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें जो लीडरशिप है वो फंक्शन होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से। नंबर दो, आपने कहा कांग्रेस में रहकर कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्या पीवी नरसिंह राव राजनीतिक परिवार से थे? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह भी राजनीतिक परिवार से थे? और जहां तक कि मैं आपको एक मिनट आश्वस्त कर देता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे इंदिरा गांधी की राजनीति में आए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का निधन हुआ उसके पश्चात इंदिरा गांधी जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, वो भी राज्यसभा युवाओं के लिए। आप खुद युवा हैं, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में आशीष जी अभी क्या चीजें ऐसी हैं जो युवाओं के लिए करनी, सुनिश्चित करनी जरूरी है, जिसके लिए अब कांग्रेस आगे आके युवाओं के प्रति आगे बढ़ेगी और उनके लिए वो जो तमाम चीजें जो बीजेपी नहीं कर पा रही है वो आपकी पार्टी करेगी? नीतियां स्पष्ट कर दीजिए। आ रही हूँ महाराज जी, आ रही हूँ। स्पष्ट है, युवाओं को रोजगार देना, उनके हितों की आशीष जी 2 सेकंड में जवाब, कीर्ति जी की बातों में जोर दीजिए एक बार। कॉमनवेल्थ गेम घोटाला बस याद है युवाओं के लिए, उससे बड़ा उत्साह नहीं था कोई। कॉमनवेल्थ सरकार इनकी थी, कितना बड़ा घोटाला हुआ था सबको पता है। अरे ये अभी देख लीजिए ना, ओलंपिक का काहे इतना खेला खेल रही है, हमें पता है। इस वर्ष का बजट देख लीजिए, 216 करोड़ रुपए का बजट हमने कम किया है खेल मंत्रालय का, और ओलंपिक में जो सुवर्ण पदक लेकर आए उनको आप उनका हितेशी बनने का कार्य कर रही है, शर्म आनी चाहिए। आपने बजट तो कम कर दिया, वरना बजट तो बजट वो कम हुआ है जो कमीशन जाती थी, जो भ्रष्टाचार होता था उसका बजट कम हुआ है आशीष जी। अरे बजट पढ़ लीजिए, मैं आपको यही कहता हूँ द हिंदू की रिपोर्ट को। हाँ, बजट कम हुआ है तो भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, कमीशन नहीं जा रही है, टेबल के नीचे नहीं जा रहा है पैसा। आशीष जी नीति स्पष्ट कर दीजिए 2022 के चुनाव को लेकर। नीति हमने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार देना, उनके हितों की सुरक्षा करना। वर्ष 2022 में यदि हमारी सरकार बनेगी तो सर्वप्रथम कदम होगा जो एंटी कन्वर्जन लॉ पारित किया गया है उस लॉ को रिपील करना और माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ट्राइबल्स हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो और ओबीसी सेक्शन हो, उनके इंटरेस्ट में, उनके हितार्थ में कार्य करना। और जो पर्सिक्यूशन हो रहा है, मार्जिनलाइजेशन हो रहा है स्पेशली महिलाओं का, उनके हितों की सुरक्षा करना। जो आपने देखा होगा कि जिस
तरीके से माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ जो रेप की घटना हुई उसमें प्रदेश की सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था, विपक्ष के दबाव में आकर एक्शन लेना पड़ा, तो ये 22 के चुनाव में आपको दिखेगा। ठीक है अभिषेक जी, आपका क्या कहना है कि जिस तरह से अभी मानस जी का आत्मविश्वास दिख रहा है, क्या विचलित हो रहे हैं, कुछ डगमगा रहा है आपका आत्मविश्वास उसके चलते? हम बहुत धैर्यशाली हैं और हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। हमें पता है कि हमारी ग्राउंड जीरो पे हमारी क्या तैयारियां हैं। हम हंस इस बात पे रहे हैं कि इनको आत्मविश्वास कुछ ज्यादा ही हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, 2022 में ये आत्मविश्वास भी आपका टूट जाएगा जब माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी। हाँ, सरकार में हम रहेंगे लेकिन जरूर रोजगार आपको भी देंगे सर, जो आपके कार्यकर्ता हैं उनको भी देंगे। हम कभी बदले की भावना नहीं रखेंगे और 90% से ज्यादा युवा हमारे साथ कल भी था। तो क्या जो ये परंपरागत राजनीति को अब आप लोग बदल रहे हैं, युवाओं के कंधे पर जो बड़ा भार अब दिया जा रहा है, हालांकि अखिलेश यादव लंबे समय से हैं और उन्होंने पार्टी की कमान भी संभाली हुई है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि कई लोग उनसे भी चटे हैं, कई लोगों के अंदर नाराजगी है, उस नाराजगी को पार्टी के अंदर कैसे दूर करेंगे और लोगों को जो जोड़ा जा रहा है उसको लेकर आगे बढ़ने की जो कवायद है उसको लेकर जनता के बीच विश्वास जताने की जो चुनौती है वो अभी कितनी ज्यादा है? जनता के बीच हमारे कई प्रतिनिधि पहुंच चुके हैं और उससे पहले भी पहुंच रहे हैं, काम हमारी जनता के बीच हो रहा है, जो हमसे नाराज हुए भी हैं वो हमसे फिर जुड़ रहे हैं। तो इस बार जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी कुछ कमाल दिखाएगी? माननीय अखिलेश जी की जोड़ी जो भी है वो बहुत कमाल दिखाएगी और 22 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है, इस बात का मैं दावा कर दूं आपको, और आप भी देखेंगी 2022 में। देखिए वो तो भविष्य के गर्द में है कि कौन सत्ता में आता है कौन नहीं, और मैं भी यही रहूंगी और आप लोग भी यही होंगे कि बिल्कुल, तब बिल्कुल, जवाब बिल्कुल। सवाल हो जाएगा कि किसने गद्दी हासिल की, लेकिन उसके पहले की जो चुनौतियां हैं उसको लेकर रणनीति क्या बना रहे हैं, उसको लेकर क्या सिर्फ जातियों पर फोकस इस समय जरूरी रह गया है, इस समय राजनीति की मांग सबसे ज्यादा आपको क्या लग रही है जिसको लेकर आपने नीतियां बनाई हुई है उसके आगे बढ़ेंगे? हमारा चुनाव जातीय चुनाव नहीं है, पहली चीज तो मैं बता दूं, हमारा चुनाव हर वर्ग हर आदमी को साथ लेकर के चुनाव, जातियों का चुनाव करती होगी बीजेपी, हमारा चुनाव सबको लेकर के है, निचले स्तर का आदमी से लेकर ऊपरी स्तर आदमी तक का। दूसरी चीज, हमारा जो चुनाव है, हमारा चुनाव सबको रोजगार देना, सबको शिक्षा देना, सबको मेडिकल व्यवस्था करना, हमारा इस पे है। हमारा चुनाव जो है सिर्फ डेवलपमेंट पे है, हमारा चुनाव ना किसी मंदिर बेस पे है ना किसी मस्जिद बेस पे, हमारा चुनाव सिर्फ और सिर्फ शिक्षा रोजगार व्यापार पे है। ठीक है जी मानस जी, शिक्षा व्यापार रोजगार पर है उनका लगातार वो कह रहे हैं, हालांकि हो रहे हैं सम्मेलन, पिछड़ा वर्ग परशुराम की मूर्ति भी बनाई जा रही है, लेकिन जातीय राजनीति नहीं कर रहे हैं उनका ऐसा मानना है, आपको क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ओबीसी पर खासा फोकस दिख रहा है बीजेपी का साफ तौर पर, अब आप भी ये मत कहिएगा कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं जाति विशेष की, कर हर पार्टी रही है, कबूले कोई ना कबूले वो अलग बात है, लेकिन इस समय आपको क्या लगता है जो पार्टियां सामने हैं आपकी उनकी भी कहीं ना कहीं तैयारियां तो हैं, उस तैयारियों को देख के थोड़ा बहुत तो आत्मविश्वास जो है उसमें कहीं ना कहीं और कुछ थोड़ी बहुत खलबलाहट नहीं है कि नहीं हमें अपनी तैयारियों को और दुरुस्त करना है? नहीं, बिल्कुल खलबलाहट नहीं है। हाँ, तैयारियां हम लोग करते रहेंगे, दुरुस्त नहीं, जहां अभी है उससे दोगुना, अगले दिन से फिर तीसरे दिन दोगुना तैयारियां करेंगे। और कीर्ति जी, बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से आज बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें मेरे दिमाग में घूम रही थी अभी जब अभिषेक जी बोल रहे थे जी कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल पंडित क्या कहते हैं क्या समझते हैं वो तो अलग चीज है, मेरे व्यक्तिगत अनुभव मेरे विवेकानुसार उत्तर प्रदेश में जो पॉलिटिकल स्टंट हो रहे हैं, अखिलेश यादव जी जो BMW ऑडी से नीचे नहीं उतरते थे वो आज साइकिल चला रहे हैं, प्रियंका गांधी जी एक्सीडेंटल ही भले हिंदू बनी रुद्राक्ष का माला जप रही हैं, राहुल जी जनेऊ पहन रहे हैं, और ये लोग बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी खाली मंदिर के नाम पे जुमलेबाजी करती है, ये लोग बोलते थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, भैया आप तारीख भी बता दिए जाइए, दर्शन तो कराइए। ठीक है, दर्शन हो जाएगा जी। अभिषेक जी, आप कुछ बोल रहे हैं? आपने कहा दर्शन कराइए सर। हाँ, मैं बताता हूँ, पहली बात मैं आपकी बात को उत्तर दूँ कीर्ति जी, इन्होंने कहा जातिगत राजनीति नहीं करते हैं, मैंने अभी नहीं कहा, ओबीसी बात का जवाब दे रहा हूँ, जाइए एक बहुत बड़ी, देखिए मंत्रिमंडल में जी अधिकतम ओबीसी चेहरे आपकी ले लिए, इन लोगों को दर्द हो रहा है पेट में, चूहे कूद रहे हैं,
ये भय है, भयभीत हो चुके हैं ये लोग मोदी जी के और योगी जी के काम से और उनके नाम आपको से। आपको लगता है हमारे जो प्रदेश सबका साथ सबका विकास सबका की मांग जातीय समीकरण नहीं है, लेकिन मानस जी ये भी समझ लेना जरूरी, हालांकि राजनीतिक मांग होगी लेकिन युवाओं को मनाना है तो बेरोजगारी हटाने की जरूरत। ये बात युवा इस बार 15 लाख के झांसे में नहीं आएगा, युवा इस बार लॉलीपॉप के झांसे में नहीं आएगा, युवा लैपटॉप के भी जालसाजी में नहीं आएगा कि चार्जिंग करने के लिए हमने दिया पढ़ने के लिए तो डब्बा बना के घर पे रखेंगे क्या? कॉपी नहीं दिया आपने तो लाइट नहीं बताई। लैपटॉप के आपके लैपटॉप के तर्ज पर वो आईपैड देने जा रहे हैं, माफ कीजिएगा वो आईपैड देने जा रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं जुमले दे रहे हैं, जिसे 15 लाख का जुमला दिया था खाते में आएगा, टैबलेट का जुमला है मतलब आप कह रहे हैं जो टैबलेट देने जा रहे हैं आज तक नहीं आई जुमला दिया। आत्मनिर्भर बनाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है। आत्मनिर्भर किया आपने, ओडीओपी के तहत एमएसएमई के तहत आत्मनिर्भर किया आपने, आत्मनिर्भर किया सर आपने, जियो लाने के लिए बीएसएनएल को बेच दिया आपने, आत्मनिर्भर किया आपने। आज उत्तर प्रदेश में जितने निवेशक हैं वो डर नहीं रहे हैं। 2017 से पहले ये परिदृश्य था, 2017 से पहले ये परिदृश्य था कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने में डरता था, उसको लगता था वो जहाँ पैसा इन्वेस्ट करेगा गुंडे माफिया गुंडा टैक्स ना वसूले। मानस जी और अभिषेक जी देखिए अहम ये आ जाता है जी, और उत्तर प्रदेश में युवा प्लीज समय की कमी है प्लीज जल्दी। कहा अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मेलन हुआ था, बहुत सारे व्यापारी वर्ग आए थे, कई एमओयू साइन हुए, आज सिंगल कोई काम हुआ ग्राउंड लेवल पे आप बताइए? बिल्कुल हुआ। कहाँ हुआ? कानपुर से लेके लखनऊ से लेके फिरोजाबाद नोएडा गाजियाबाद। अभिषेक जी आप मानस जी देखिए काम किस पार्टी में हुआ किस पार्टी में नहीं हुआ ये काम नहीं जिसमें भ्रष्टाचार होगा, ये काम नहीं होगा, ये जनता नहीं होगा जिसमें भ्रष्टाचार होगा। ठीक है, हमने काम किया, ये बातें आप जनता के बीच जाइएगा और जनता तक उसमें विश्वास जताइएगा कि जनता आप पर विश्वास करे, लेकिन युवाओं को जोड़ना है तो बेरोजगारी हटाने की जरूरत है, ये सबसे अहम हो जाता है क्योंकि इस वक्त युवा बेरोजगार है उत्तर प्रदेश में, 30 करोड़ की आबादी है और बड़ी बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश में है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से तमाम पार्टियां एक दूसरे के रेस में आगे निकलने की होड़ मचाकर आगे बढ़ रही है और युवाओं का साथ लेकर चलने की कोशिश करी, हालांकि युवा नेताओं के पर भी इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि कहीं ना कहीं रेस में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी वाड्रा, जयंत चौधरी, अखिलेश यादव एक दूसरे के साथ है, कोई तो कोई एक दूसरे के अगेंस्ट दौड़ लगा रहा है। हालांकि सबका यह कहना है कि वो 300 प्लस सीटों के साथ जीत हासिल करेंगे, लेकिन जनता किसे इस बार सत्ता में विराजमान करती है, किसका भरोसा वो लोग जीतने में कामयाब होते हैं और किसे जनता हाथों हाथ लेती है, यह आगामी विधानसभा चुनाव में पता चलेगा, यह भविष्य गर्त में है। लेकिन फिलहाल सभी पार्टियां जद्दोजहद में जुटी हुई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर होंगे देश और तमाम खास खबरों के साथ, रहिए मेरे साथ और देखते रहिए प्राइम डिबेट।